नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। परिक्रमा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा हो जो परिक्रमा के बारे में ना जानता हो। यहाँ तक कि नवग्रह भी सूर्य की ओर और सूर्य भी महासूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। जब कार्तिकेय और गणेश में प्रतिस्पर्धा हुई तो कार्तिकेय ने पृथ्वी की और गणेश ने शिव पार्वती की साथ साथ परिक्रमाएं की थी। कदाचित परिक्रमाओं का चलन उसी समय से आरंभ हुआ। परिक्रमा को ही प्रदक्षिणा भी कहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्रदक्षिणा शब्द को दो भागों में बांटा गया है, प्रा और दक्षिणा। इस शब्द में मौजूद प्रा से तात्पर्य है आगे बढ़ना और दक्षिणा का मतलब चार दिशाओं में से एक दक्षिण की दिशा। यानी कि ऋग्वेद के अनुसार परिक्रमा का अर्थ है दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए देवी देवता की उपासना करना। सरल शब्दों में कहा जाए तो घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ना। परिक्रमाएं कई प्रकार की बताई गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं देव मंदिर और मूर्ति परिक्रमा, नदी परिक्रमा, पर्वत परिक्रमा, वृक्ष परिक्रमा, तीर्थ परिक्रमा, चार धाम परिक्रमा, भरत खंड परिक्रमा और विवाह परिक्रमा। जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है, परिक्रमा के भी अपने कुछ नियम होते हैं। परिक्रमा केवल दक्षिण दिशा की ओर यानी घड़ी की सुइयों के जैसे ही करनी चाहिए। परिक्रमा केवल नंगे पैर ही करें। एक बार परिक्रमा शुरू करें तो समाप्ति पर ही रुके, बीच में नहीं। यदि स्नान कर अथवा गीले शरीर में परिक्रमा करेंगे तो अति उत्तम है। परिक्रमा करते समय कदापि बातचीत ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हों यदि उनके मंत्रों का जाप साथ साथ करें तो अति उत्तम है। परिक्रमा करते समय यदि हाथ में रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा होता है। परिक्रमा हमेशा देवता के मुख से शुरू करनी चाहिए। जहां से परिक्रमा आरंभ किया हो परिक्रमा का अंत भी उसी जगह करना चाहिए। अधूरी परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है। शिव जी की परिक्रमा में विशेष ध्यान रखें। केवल उन्हीं की आधी परिक्रमा की जाती है। कर्मलोचन नामक ग्रंथ में एक श्लोक आता है जिसमें किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए उसके बारे में पता चलता है। यह श्लोक है, एका चंड्या रवे सप्त तिस्रह कार्य विनायके हरेश्च तस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात दुर्गा जी की एक, सूर्य की सात, गणेश जी की तीन, भगवान विष्णु की चार एवं शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अन्य देवताओं के बारे में भी परिक्रमा के बारे में अलग अलग मत हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव की परिक्रमा बहुत विशेष है क्योंकि वही एक ऐसे देवता हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। और इसका कारण ये है कि महादेव के अभिषेक की धारा को लांघना बहुत अशुभ माना गया है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की धारा या दूध की धारा जहां से भी निकल रही हो वहीं से वापस लौट जाना चाहिए, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। भगवान विष्णु की चार परिक्रमा करने का विधान है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की चार परिक्रमा करते हैं। अब चाहे वो मत्स्यावतार हो, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, श्री कृष्ण या भविष्य के कल की अवतार हो, सभी की चार परिक्रमा करने का विधान है। शक्ति के रूप जैसे माता दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या शक्ति के कोई भी अन्य रूपों की एक परिक्रमा करने के बारे में बताया गया है। हनुमान जी की तीन परिक्रमा की जाती है और उसी प्रकार श्री गणेश की भी तीन परिक्रमा करने का विधान है। भगवान सूर्य नारायण की सात परिक्रमा और उनके पुत्र शनिदेव की भी सात परिक्रमा करने के बारे में कहा गया है। महादेव के गण भैरव की तीन परिक्रमा करने का विधान है। इसके अतिरिक्त पीपल एवं वटवृक्ष की सात अथवा 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान हमें नहीं पता है हम उनकी तीन प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।